वेलकम टू जायका विद पूनम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ नारियल लड्डू बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और जल्दी बनने वाली मिठाई है। इसे बनाने के लिए मैंने आधा कप दूध लिया है। दूध को हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसके बाद इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। आधा कप नारियल लिया है लड्डू बनाने के लिए और इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। इसके बाद इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। आधा कप मिल्क पाउडर लिया है और इसे भी 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। अच्छे से मिला देंगे इसे। इसके बाद इसमें घी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच घी लिया है, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें। 1/3 टेबलस्पून इलायची पाउडर है। फ्लेम को लो रखेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसके बाद में शुगर ऐड कर देंगे। 4 टेबलस्पून शुगर ऐड किए इसे बनाने के लिए। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे ताकि शुगर इसमें अच्छे से मिल जाए। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है इसमें, ये पक गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद लड्डू बना लेंगे। मिश्रण ठंडा हो गया है, अब इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे, हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे और राउंड करेंगे, इसे बॉल का शेप देंगे। इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। राखी का फेस्टिवल आने वाला है, उसमें आप इसे बना सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं, साथ ही बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। लड्डू बनाने के बाद इसे गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के लिए हमने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर लिया है। कोकोनट पाउडर में लड्डू को डालकर लपेट देंगे। सारे लड्डू को एक करके इसी तरह से कोकोनट पाउडर में लपेट देंगे। इसे दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू। लड्डू तैयार हुए, अब इसकी गार्निश कर देंगे पिस्ता से। छोटे छोटे पीसेस पिस्ता के लिए हैं और इसके ऊपर रख देंगे, इसे दिखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।